इंदिरा गांधी को 1977 में सत्ता से बेदखल करने वाली जनता पार्टी ने जब जनसंघ का साथ छोड़ा तो उसी साल भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। इस नई पार्टी की नींव रखी थी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं ने, और पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी के गठन के बाद धीरे धीरे पार्टी अपना विस्तार करने लगी थी और फिर ठीक चार साल बाद 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपना पहला आम चुनाव लड़ा था। यह अटल के नेतृत्व की पहली परीक्षा थी, लेकिन पूरे देश में 224 उम्मीदवार उतारने वाली बीजेपी को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली। खुद अटल बिहारी वाजपेयी अपना पहला आम चुनाव हार गए थे। उन्होंने अपने जन्म स्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार माधव राव सिंधिया के हाथों उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। कांग्रेस ने अटल को रोकने के लिए अचानक माधव राव को ग्वालियर सीट से उम्मीदवार बना दिया था। 1984 के चुनाव में बीजेपी के 224 में से सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने ही जीत का परचम लहराया था, जिसमें एक थे आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा सीट से चुनाव लड़ रहे सीजे रेड्डी, तो वहीं गुजरात की मोहसाना सीट से बीजेपी उम्मीदवार कल्याण भाई पटेल ने जीत दर्ज की थी। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अटल को पहली जीत 1991 में नसीब हुई, जब वह यूपी की लखनऊ और मध्य प्रदेश की विदिशा सीट पर चुनाव लड़े और दोनों ही सीट से चुनाव जीत गए। बाद में विदिशा सीट छोड़ दी।